दोस्तों अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कुछ अपडेट्स आए हैं नए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या क्या अपडेट्स हैं और किस तरह से आपके वो हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स। और दोस्तों अगर आप विंडोज 10 यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा विंडोज़ जो है वो हर 6 महीने में अपने अपडेट्स जो है वो नए नए फीचर्स देता है, अपने विंडोज़ में नए नए अपडेट्स देता है। तो इस बार उन्होंने 4th महीने में ही हमको कुछ अपडेट्स दे दिए नए, यानी कि अप्रैल में ही कुछ अपडेट दे दिए हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही वो अपडेट्स आए हैं, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि किस तरह से वो अपडेट मिलते हैं आपको और क्या क्या अपडेट्स मिलते हैं और क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं आपको विंडोज 10 में। तो आगे वीडियो में बताऊंगा आपको किस तरह से जो है वो अपडेट आप देख सकते हैं और किस तरह से उनको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों नए फीचर तब आएंगे आपके पास जब आप इसको अपडेट करेंगे, यानी कि अगर आप अभी भी ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं विंडोज का, विंडोज 10 में भी जो पिछला वर्जन जब तक अभी तक अपडेट नहीं आएंगे तब तक आप अगर यूज़ कर रहे हैं उसको और अपडेट नहीं किया है आपने सिस्टम को, तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, सेटिंग में जाना है, यहाँ जाके ये वाली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे लास्ट ऑप्शन जो दिखाई देगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और चेक फॉर अपडेट करेंगे, इंस्टॉल नाउ कर दीजिएगा, अपडेट आएगी, इंस्टॉल नाउ कर देंगे और रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम को अपडेट होने के बाद, तो फिर से वो अपडेट होगा एक और बार और फिर आपका सिस्टम जो है वो सारे फीचर जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो सारे फीचर आपके सिस्टम में भी आ जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो सबसे पहले अपडेट जो आया है जो कि यूज़फुल हो सकता है आपके लिए वो है टाइमलाइन का। अब टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन दिखेगा आपको जो कि पहले नहीं दिखता था। ओके, ये वाला मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर वो दिखेगा ये वाला, ये टास्क व्यू। टास्क व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी टाइमलाइन दिखेगी। टाइमलाइन क्या, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं जब से आपने सिस्टम ओपन किया है, जब से ओपन प्रोग्राम है, जो भी ओपन प्रोग्राम है आपके पास वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा आपको और उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है और डायरेक्टली उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक नया फीचर अभी अभी विंडोज़ अपडेट में, अप्रैल के अपडेट में आया है। अगले फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है जो कि है शेयर फीचर। शेयर फीचर क्या होता है, शेयर फीचर में आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं कोई भी विंडोज 10 का, अगर आपके पास कोई डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन भी है और उसमें विंडोज 10 है, मोबाइल में आता है आजकल उसमें भी विंडोज 10 है, या फिर आपके पास कोई लैपटॉप है या डेस्कटॉप है और उसमें ब्लूटूथ वाईफाई है, तो डायरेक्टली आप शेयर कर पाएंगे आपके ब्लूटूथ वाईफाई के कनेक्शन के जरिए आप कोई भी फाइल। कैसे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी फाइल है, अधिकतर आपको प्रीमियम प्रो की दिख रही होगी, तो कोई भी इमेज मान लो, इमेज फोटो वगैरह जो भी है आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक किया तो ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा ये यहाँ पर ऊपर शेयर का। जैसे कि मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये शेयर का ये, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह की विंडो यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे नियर बाय, मेनली ये फीचर होता है कि नियर बाय जो आपके सबसे नज़दीक होगा डिवाइस उससे आप ये शेयर कर सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ पेयरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लिक करेंगे और दूसरे डिवाइस में वो नोटिफिकेशन भेज देगा, ये वाला क्लिक करेंगे और सारे डिवाइस आ जाएंगे आपके पास जो भी नियर बाय डिवाइस हैं, और जैसे वो नोटिफिकेशन उनके पास जाएगा वो एक्सेप्ट करेगा तो फाइल आपके यहाँ से उसमें ट्रांसफर होने लग जाएगी, ब्लूटूथ वाईफाई की जो है हेल्प लेगा ट्रांसफर करने में और आपकी फाइल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये एक अच्छा फीचर हो सकता है आपके लिए अगर आप आपके पास बहुत सारे डिवाइसेज हैं विंडोज 10 उनमें इंस्टॉल है, कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप वगैरह हैं, तो आप जो है आसानी से फाइल शेयर कर सकते हैं। अगला जो फीचर है उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक फॉन्ट का, जिससे आप आसानी से आपके फ़ोन जो है आप जो भी आपके सिस्टम में फॉन्ट इंस्टॉल हैं, आपने फॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं वो देख सकते हैं। हालांकि पहले भी हम देख सकते थे, उसके लिए काफ़ी अंदर घुसना पड़ता था हमें, अब ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे, जो सारे में फीचर बता रहा हूँ वो सेटिंग में आएंगे। सेटिंग का ये जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर जो आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और ये जो सेटिंग है यहाँ पर, इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, ये वाली जो सेटिंग है इस पर, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आपके पास ओपन हो जाएगी ये वाली, और यहाँ पे जाना है आपको पर्सनलाइज में। पर्सनलाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं पर्सनलाइजेशन में जाना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो है मेनू खुल जाएगी। यहाँ पे आपको देखना है ये फॉन्ट्स, फॉन्ट्स का ऑप्शन अभी अभी आया है, इन्होंने पहले नहीं था ये फॉन्ट का ऑप्शन, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे फॉन्ट्स जो कि आपने आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए होंगे वो। हालाँकि मेरे सिस्टम में तो बहुत सारे हैं क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मुझे रखना पड़ते हैं ये, और वीडियो वगैरह में भी यूज़ होते हैं तो काफ़ी सारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं मैंने, और मज़े की बात यह है कि मैं आपको ये सारे फ़ॉन्ट दे सकता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, ये सारे फ़ॉन्ट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा सरप्राइज़ के लो इस वीडियो का वो मैं दे रहा हूँ,
तो ये सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके यूज़ में आ जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो जरूर से ये फॉन्ट आप जरूर से डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ तक देखने का आपको एक फ़ायदा तो मिल गया, आगे भी इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ आप सारे वीडियो जो है पूरे देखा करो। आपको जो है कहीं पे मैं मेंशन नहीं करूँगा वीडियो में, टाइटल में, थंबनेल में, डिस्क्रिप्शन में कि ये फ़ॉन्ट जो है फ्री में दे रहा हूँ, या फिर मैं कोई भी ऐसे कुछ चीज़ें मिलती हैं मुझे एक्स्ट्रा जो आपके देने लायक है वो मैं इसी तरह से आपको जो है शेयर करता रहूँगा आपके साथ, बट वीडियो के बीच में। तो इस तरह से आप जो है वीडियो के पूरे वीडियो देखेंगे ना आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो रहेगी भी, साथ में एक सरप्राइज़ भी रहेगा आपके लिए। तो चलो बहुत हो गई बात, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लो। और उसके बाद अगला जो ये जैसे कि ये फीचर ये फॉन्ट आप देख सकते हैं, उसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से, माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है ये वाला, यहाँ से प्ले स्टोर नहीं माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर होता है एप स्टोर, यहाँ से आप फॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इतने नहीं हैं यहाँ पे फॉन्ट, बहुत कम फॉन्ट है, हालांकि धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट इनमें ऐड करेगा बहुत सारे, जैसे कि आप देख पा रहे इतने ही फॉन्ट है। तो आप यहां से इंस्टॉल इन फॉन्ट को भी कर सकते हैं। अगले फीचर की मैं बात करूं तो यहां पे आप जो है आपकी वीडियो में अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं लाइव, तो वीडियो में आपको HDR का सपोर्ट मिलता है। कैसे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको जाना है एप्स में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे ये एप्स मिलती है, एप्स में आपको क्लिक करना है। जैसे आप एप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपको जो है लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे वीडियो प्लेबैक का ऑप्शन मिलेगा, ये वीडियो प्लेबैक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्ट्रीम HDR वीडियोस। अगर HDR वीडियो होगा तो वो स्ट्रीम हो जाएगा आपके लिए, इजीली हो जाएगा, और HDR स्ट्रीमिंग होगी वहाँ पे आपको जो है ये काफ़ी अच्छा जो है बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा। तो हालांकि इसमें ज़्यादा क्वालिटी कब यूज़ में आएगी, जब आपके पास अच्छा हाई इंटरनेट होगा, अच्छा स्पीड वाला इंटरनेट होगा, तब वो HDR में आपको दिखाई देगा। तो ये एक अच्छा फीचर मिलता है आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और उसके नीचे आप जो है ये सब टर्न ऑफ ऑन कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी पहले के जो फीचर आपको देखने को मिलते हैं ये सारे पहले भी थे, बट इसमें सिर्फ नया जोड़ा है क्या, स्ट्रीम HDR वीडियोस। तो ये एक अच्छा फीचर हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो एक अच्छा आपके लिए हो सकता है, वो है ग्राफिक का मल्टी GPU सिस्टम। इसमें क्या कर सकते हैं तो मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके बताता हूँ क्या कर सकते हैं। सिस्टम में जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिस्टम में, सिस्टम में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिस्प्ले का, सबसे टॉप में ये डिस्प्ले का, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हालांकि जो नॉर्मल डिस्प्ले ही सिलेक्ट आता है, अगर नहीं है तो फिर आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे सेटिंग मिलेगी ग्राफिक की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये ग्राफिक सेटिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐप है जिसको इतनी ज़्यादा ग्राफिक की ज़रूरत नहीं है और वो आपका फिर भी डेडिकेटेड ग्राफिक यूज़ कर रही है, तो उस ऐप को आप बंद कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप ब्राउज में जाएंगे, इसको क्लासिक रहने दीजिएगा, ब्राउज पे क्लिक करिएगा और कौन सी ऐप है वो यहाँ से सी प्रोग्राम में जाके, प्रोग्राम फाइल्स में जाके यहाँ से ऐप को चूज़ कर सकते हैं। और उस ऐप को चूज़ करने के बाद जैसे आप चूज़ कर लेंगे तो इस तरह की आपको दिखाई देगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस हो गया आपका कौन सा, जो डेडिकेटेड ग्राफिक है, जो कि मेरा है GTX 1060, और जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक आता है HD, तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक में अगर उसका काम हो रहा है तो आप क्या करिएगा उसको पावर सिंक में सिलेक्ट करके और सेव कर दीजिएगा, तो वो हमेशा उसी को यूज़ करेगी। और उसके बाद अगर मान लो आपको कोई अच्छा हैवी जैसे OBS है, तो मैंने इसमें अभी हाई परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है क्योंकि मैंने सिस्टम डिफॉल्ट किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें ऐप में ही डायरेक्टली उसको सेट किया हुआ है। हालांकि GPU अगर आपका NVIDIA का है तो उसमें हमको सेटिंग मिलती है, AMD में भी सेटिंग मिलती है करने की, बट ये एक अलग से ऑप्शन दिया है हमको विंडोज़ ने बाय डिफॉल्ट करने का, तो विंडोज़ का ऑप्शन भी आप जो इसमें चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर इस तरह का कुछ ग्राफिक से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है ऑप्शन आपके लिए। यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है डेटा यूजेस का। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमारे पास लिमिटेड डेटा होता है यूज़ करने के लिए, जब हम हमारे घर से बाहर होते हैं, लैपटॉप होता है हमारे पास और उसमें जो है हम यूज़ करते हैं डेटा, तो हम नॉर्मली हम 2 या 3 GB वहाँ पर हमारे पास होता है, तो हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम जो है डेटा को लिमिट भी कर सकते हैं। कैसे लिमिट कर सकते हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे लिमिट कर सकते हैं वो आपको जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट में। यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे नीचे सेकंड में ये डेटा एंड यूजेस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगी ये इस तरह से, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो है आपको इस तरह से ओवरव्यू मिल जाएगा, एक तो कितना डेटा आपने यूज़ कर लिया है लास्ट 30 डेज से लेके अभी तक, मतलब 30 डेज में कितना डेटा यूज़ कर लिया है वाईफाई के थ्रू और लेन के थ्रू, दो ऑप्शन मिलते हैं हमको कनेक्ट करने के, तो दोनों में आपने कितना डेटा यूज़ कर लिया है दोनों का अलग अलग, और दोनों का मिला के आप जो है जोड़ सकते हैं, तो कितना हो गया 163 GB करीब हो गया। अब हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं लिमिट किसके लिए आपको करना है, नॉर्मली आप इंटरनेट के लिए तो करेंगे नहीं, वाईफाई के लिए ही करेंगे, तो वाईफाई को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ये वाला, क्योंकि हम जो जो आपको यूज़ करना है, क्योंकि इसमें अलग अलग कर सकते हैं हम
ऑल नहीं करना है, ऑल के लिए हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमको ये स्पेसिफिक चूज़ कर लेते हैं, उसके लिए सबके लिए अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट लिमिट। सेट लिमिट करने के बाद आपको कितना करना है, वन टाइम करना है या मंथली करना है, या इस तरह से आप जो है वो सेट कर सकते हैं। अब ये कब काम में आएगा, जब आपके लिए, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको आपके फ्रेंड वगैरह यूज़ करते हैं नेट आपका, और आप चाहते हैं कि वो नहीं करे, तो आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं, तो वो लिमिट हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, फिर बंद ही हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, या फिर आप खुद ही मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, आपको लगता है कि मैं ज़्यादा यूज़ नेट कर लेता हूँ, तो आप लिमिट सेट कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं यहाँ से कि आपने कितना यूज़ किया है। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब लास्ट में, हालांकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उस ऐप में कितना डेटा जो है मेरा यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस पर, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ क्रोम, उसमें मैं यूज़ करता हूँ 56 GB का डेटा, मतलब अभी तक 30 डेज़ में मैंने 56 GB डेटा यूज़ कर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद यूज़ करता हूँ फायरफॉक्स, उसके बाद यूज़ करता हूँ OBS, इतना OBS, हालांकि मैं स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आप मेरी स्ट्रीमिंग नहीं देखते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हर सैटरडे संडे को, तो ज़रूर से यार इसको देखो। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल से करो उसको भी, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आता हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके पास विंडोज़ 10 है और अभी तक उन्होंने अपना विंडोज़ 10 को अपडेट नहीं किया है। तो ये सारे फीचर आपको इस अपडेट में, अप्रैल के अपडेट में मिल जाएंगे। अगर आगे कोई ऐसे अपडेट आते हैं तो मैं ज़रूर से आपको बताऊंगा और इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा। और हालांकि इसके अलावा भी काफ़ी सारे अपडेट हैं, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर लिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको जानना है कि क्या क्या अपडेट्स थे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ मैं, वहाँ के उसके ज़रिए आप जो है जान सकते हैं कि कौन कौन से अपडेट आए थे और कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अगर आपका इस वीडियो के लिए कोई भी सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं उसको जरूर से रिप्लाई करूँगा। दोस्तों ये वो सारे अपडेट्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के लिए कोई भी सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जरूर से रिप्लाई करूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, और साथ ही साथ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरत है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ उसी चैनल पर। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के वीडियोज़ की लिंक यहाँ पे आ रही है, लास्ट की वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।